बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। अभी घर का ऐसा नुस्खा, घरेलू नुस्खा उन हमारे बहन भाइयों बुज़ुर्गों के लिए कि जो शुगर में मुब्तला हैं और मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं और चाहते हैं कि हम नेचुरल वे से इसका ट्रीटमेंट करें। मैं अपने फैमिली के साथ अपने पर्सनल टूर पर आया हुआ था, तो मुझे पता था कि मेरे लिए वीडियोस बनाना इस दौरान कि जब आप अपने घरेलू कामकाज में मसरूफ़ हों मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप दोस्तों की मोहब्बत है, तो मैंने कहा मैं कुछ बता देता हूँ। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ उनके फ़ायदे के अलावा मैंने कहा कि और लोगों तक ये बात पहुँचे। तो नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा के लिए कि मैं शॉर्ट चीज़ बताऊँ, छोटी सी गुफ्तगू करूँ, ताकि आप लोगों को ना ऐसा हो कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना टाइम बढ़ाने के लिए लंबी लंबी वीडियोस आपसे बातें करूं और काम की बात छोटी सी करूं। अभी मुख्तसर जो मैंने आपको इसके बारे में बताना है नाज़रीन, सब्ज़ इलायची जो अक्सर घर में हम लोग चाय वगैरह में चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसके बीज निकाल के आप कैप्सूल बना लें, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। और अगर आप उन्हीं को जितनी मकदार एक कैप्सूल की बनती है, लार्ज कैप्सूल की, अगर आप चबा सकें तो चबा लें। बाद दफ़ा इन्हेल करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बताया कि आप उसके कैप्सूल बना लें, कैप्सूल बना लेंगे तो आसानी रहेगी। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम। नाज़िर, इससे क्या होगा कि पहले 4-5 दिनों में आपको यूरिन बहुत आएगा, तो यूरिनेशन के बाद इंशाल्लाह 5वें 6वें दिन आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल अपनी जगह पर आना शुरू होगा। इससे होता असल में क्या है, आपका जो पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। वो इंसुलिन नाज़िर जो बाहर से हम इनटेक करते हैं, तो आप ये करेंगे इंशाल्लाह, मुझे दुआएँ देंगे, कोशिश कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें, और जिस चीज़ का नहीं पता पूछ लिया करें। मैं हर्बलिस्ट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह मुझसे फ़ायदा हासिल करते रहें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 मेरे दुआओं का एड्रेस भी साथ होता है, वो भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हयात बाकी, मुलाकात बाकी, नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।